पकड़े हुए लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा है। आवाज की
बादशाह देखने आकर दरे खैमा पर खड़े हो गए। जब अली अकबर सदुकर खैमे से रवाना हुए तो दूर बाप उनके घोड़े के पीछे पीछे गया, मगर वो गरीब क्या भले जिसके पांव में पर्दे की भेड़ियां पड़ी हुई हों। कौशरिया की जंजीर में मुकैद हो जरा उम्मीद आया से पूछिए कि क्या कयामत गुजर गई। आए मैदान जंग में मैदान अली अकबर लड़ रहे हैं, बाप दरे खैमा पर आकर खड़ा हो गया। क्यों दरे खैमा पर खड़े हैं? माँ का दिल नाजुक होता है, बेटा लड़ने गया है, ऐसा न हो मोहब्बत मादरी से बेकरार होकर बाहर निकल पड़े, पर्दे का इंतजाम कर रहे हैं। इधर बेटा घर से निकला, उधर माँ ने सर के बाहर खोल दिए, समझ गई फर्जंद किस लिए मैदान में जा रहा है। मुसल्ला बिछाया, तमाम बीवियों को आवाज दी, दुआ करो कि अली अकबर सही और सलामत मैदान से लौटे। ए रुकैया, ए उम्मे कुलसूम, मैं दुआ करती हूँ सब आमीन कहो। सगीरा के नन्हे नन्हे हाथ जुड़ गए, माँ ने दरगाहे इलाही में दुआ की, ए यूसुफ को सही और सलामत याकूब तक पहुँचाने वाले, मेरे यूसुफ को भी सही और सलामत मैदान से पलटा। अभी से रसूल है कि माँ की दुआ बेटे के हक में मुस्तजाब होती है। बड़ा मुश्किल मसला, इधर बाप दुआ करता है कि मेरा बेटा राय खुदा में शहीद हो जाए, उधर माँ दुआ करती है कि बेटा सलामत पलट आए। माँ की दुआ कबूल हुई, अली अकबर सही और सलामत जंग करके पलटे। तश्तगी ने गलबा किया, बाप के पास आए, बाबा मैं प्यास से बेताब हूँ, आपने फर्जंद से फरमाया लाओ अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो, शायद कुछ तरी पहुंचे। फर्जंद ने बाप के दहन में अपनी जबान दी और फौरन कह दी, बाबा आपकी जबान को मेरी जबान से ज्यादा कुछ करो। फरमाया जाओ बेटा दादा, जब मैं दोस्त लिखने सैलाब करेंगे। अली अकबर फिर मैदान की तरफ चले, इमाम खैमे में आए, फरमाया ए उम्मे ज़हरा, अब बेटे के पलटने की दुआ न करना, तुम सारा अली बहु हो, अली अकबर की शहादत को गवारा कर लो। इमाम की जबान से ये कलमा सुनकर जनाब उम्मे ज़हरा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहती हुई गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। अब गए अली अकबर तो पलट कर अपने खैमे में लाए, और लाश बढ़िया जवान की है शायद ना उठा सके।
اکبر جی خیمے سے دوڑے، کسی نے ہاتھ، کسی نے کمر، کسی نے پاؤں پکڑا، آئی لاش علی اکبر، خیمے میں مسند بچھائی گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہونے والی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے کھل گئیں، چشم علی اکبر کی وہ آخری گل گردش، وہ یاد بھری نگاہیں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ جناب ام لیلا نے کس طرح اپنے کلیجے کو سنبھالا ہوگا۔ امام مظلوم بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھ کر قریب سپائے فرمایا، بیٹا اگر اور کوئی حد تک ہو تو بیان کرو۔ فرمایا، بابا ماں بہنوں کو تو دیکھ کر مگر ایک تمنا رہ گئی کہ بہن شکرا کو مرتے وقت دیکھ سکا، بھیا سجاد کا جب وطن میں جانا ہو تو میری طرف سے فاطمہ شکرا کو سلام کہہ دینا۔ امام مظلوم نے فرمایا، اے دور نظر، معلوم ہوتا ہے کہ تم شکرا کو بہت چاہتے ہو، ہاں